हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 बरस हो चुकी थी, ताहम औलाद की नेमत से महरूम थे। उन्होंने अल्लाह ताला की बरगाह में कुछ इस तरह दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे नेक और सालेह बेटा अता कर। यह दुआ अल्लाह की बरगाह में कबूल हुई और आपकी दूसरी बीवी हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से आपको हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी सुना दी गई। इब्रानी ज़ुबान में इस्माईल का तलफ़ शमाइल है, क्योंकि औलाद के लिए आप अलैहिस्सलाम की दुआ सुन ली गई थी, इसलिए आपका नाम इस्माईल रखा गया। हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी थी, इसलिए हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खबर इन पर शाक गुजरी, इसलिए उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इसरार किया कि हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इनके बेटे को यहाँ से दूर कर दो, ये लोग मेरी निगाह के सामने न रहें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये बात बहुत नागवार गुजरी, मगर बारगाह इलाही से जब हुक्म हुआ कि हज़रत हाजरा और इस्माईल अलैहिस्सलाम को अरब के रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा और इस्माईल अलैहिस्सलाम को इसी जगह ले आए जहां आज काबा है। इस ज़माने में यह जगह बिल्कुल गैर आबाद थी। एक थैली खजूर और एक मशकीज़ा पानी के हमरा आप इन्हें वहां छोड़कर जब जाने लगे तो बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इन्हें रोक कर पूछा, हमें इस बयाबान में छोड़कर आप कहां चल दिए? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खामोशी पर हज़रत बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि ये मेरे रब का हुक्म है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाँ में जवाब दिया, तब बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इन्हें जाने दिया और फरमाया, हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब चलते चलते ऐसी जगह पहुँचे कि दोनों माँ बेटा निगाहों से ओझल हो गए, तो आपने अपने दोनों हाथ बुलंद किए और अल्लाह के हुजूर अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, मैंने बसाई अपनी औलाद ऐसे मैदान में जहाँ खेती नहीं, तेरे अदब वाले घर के पास, ऐ रब हमें ताक कायम रख। रब, ऐ मेरे रब, बाज़ लोगों के दिल छुपते इनकी तरफ और इनको रोज़ी अता फरमा अपने फ़जल से ताकि ये शुक्र करें। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चंद रोज़ मशकीज़े से पानी पीती रहीं और खजूरों से गुजारा करती रहीं, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती रहीं। जब पानी और खजूरें ख़त्म हो गईं तब वो परेशान हो गईं, क्योंकि वो खुद भूखी थी, इसलिए बच्चे ने भूख और प्यास से रोना शुरू कर दिया। बच्चे की बेचैनी देखकर हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पानी की तलाश शुरू कर दी। वो सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़ीं कि शायद कोई अल्लाह का बंदा नज़र आ जाए या कहीं से पानी मिल जाए, मगर कुछ नज़र ना आया। फिर वापस वादी में आ गई। फिर वो दूसरी पहाड़ी मरवा पर चढ़ीं कि कहीं पानी नज़र आ जाए। इस तरह आपने 7 चक्कर लगाए। मामता का यह जज्बा अल्लाह ताला के हाँ इस कदर मकबूल हुआ कि बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आने वाले हर फर्द पर अल्लाह ताला ने इसे लाजिम करार दे दिया कि हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सुन्नत की पैरवी करते हुए सफ़ा और मरवा के पहाड़ों की सही करें। इस जस्तजू पर मुश्तमिल अमल के मकबूलियत का एक इशारा ये भी था कि 7वें चक्कर में जब हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बच्चे के पास वापस आईं तो देखा कि जिस जगह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम रोते हुए एड़ियां रगड़ रहे थे वहां से पानी का चश्मा जारी हो गया है और ये चश्मा आज भी मौजूद है और हम लोग इसे आबे जमजम के नाम से जानते हैं। हज़ारों साल गुजरने के बावजूद चश्मे का पानी उसी तरह जारी और सारी है। अल्लाह ताला ने इसमें मखलूक के लिए शिफा रखी है। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये मौजज़ा देखकर बेहद खुश हुईं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। इसके बाद अपने बच्चे को पानी पिलाया और ख़ुद भी इससे मुस्तफ़ीद हुईं। इसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से एक फ़रिश्ता नाजिल हुआ
और इनकी तरफ से वईद सुनाई, ऐ हाजरा आप खौफ ज़दा ना हों और ना ही गमगीन हों, क्योंकि अल्लाह ताला आपको और इस बच्चे को ज़ाया नहीं होने देगा, क्योंकि ये अल्लाह का घर यानी मकाम बैतुल्लाह है, जिसे इस बच्चे और इसके बाप ने तामीर करना है। कुछ अरसे के बाद बनू जरा नामी एक कबीला पानी की फुरवानी देख हज़रत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की इजाज़त से यहाँ आकर आबाद हो गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम का बचपन इसी कबीले के दरमियान गुजरा। अभी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बच्चे ही थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लख्ते जिगर को अल्लाह की राह में क़ुरबान कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने मुसलसल 3 रातों एक ही ख्वाब देखा, लिहाजा आप अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया ये ख्वाब अल्लाह ही की तरफ से है। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील का इरादा फरमाया और अपना तमाम ख्वाब अपने बेटे को सुनाया और फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से पूछा, मेरे बेटे मैं तुझे अपने ख्वाब के पेश नज़र अल्लाह की राह में क़ुरबान करना चाहता हूँ, बता तेरी क्या राय है। इस पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और इन्हें बताया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को अल्लाह की राह में क़ुरबान करने चल पड़े हैं। इस पर बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, इस्माइल हमारी इकलौती औलाद हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसा नहीं कर सकते। इब्लीस ने कहा कि वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कर रहे हैं। इस पर बीबी हाजरा ने फरमाया, अगर ये मेरे खालिक की रज़ा है तो मैं इस पर राज़ी हूँ। जब यहाँ इब्लीस के सारे वार नाकाम हो गए तो इसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उकसाने का इरादा किया और इनके दिल में बाप की शफ़क़त को उभारने लगा और कहा, इब्राहीम इस्माइल आपकी इकलौती औलाद हैं, आप उम्र रसीदा हैं, इन्हीं से आपकी नस्ल है, ये आप क्या करने जा रहे हैं। इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मुझे मेरा बेटा अल्लाह ने दिया है और ये मेरे पास अल्लाह की अमानत है, मैं अल्लाह के हुक्म पर राज़ी हूँ, वो जैसे चाहे हुक्म दे, हम इसके ताबे और फरमाबरदार हैं। आप अलैहिस्सलाम के जवाब से इब्लीस को सख्त मायूसी हुई, लेकिन इसने आपको बहकाने की अपनी नाकाम कोशिश जारी रखी, हत्ता कि इसने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी बहकाया, लेकिन वो भी अपने मकसद पर डटे रहे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपने रब की रज़ा पर राज़ी हूँ, मेरे रब ने मेरे बाबा को बराह रास्त ख्वाब में मेरी कुर्बानी का हुक्म दिया है और अम्बिया कराम के ख्वाब सच्चे होते हैं। कहा जाता है कि इब्लीस ने इन्हें कुर्बान गा जाते हुए 3 मरतबा रोकने की कोशिश की और 3ों मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इस पर कंकर बरसाए और इसे कामयाब न होने दिया। यही वो सुन्नत है जिसे हुज्जाज कराम हर साल दोहराते हैं और ये सुन्नत रमी कहलाती है। बिलाखिर दोनों बाप बेटा वादी मिना में पहुँचे जहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करना था। अब कायनात ने वो मंज़र देखा तो इससे पहले कभी ना देखा था और ना शायद क़यामत तक देख पाएगा। ज़मीन व आसमान साकित हैं, कायनात हैरान है, फरिश्ते अर्श पर अजीब मंज़र देख रहे हैं। तभी इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, अब्बा जान मेरे दोनों हाथ और दोनों पांव बांध दीजिए ताकि छुरी चलाते वक़्त आपको कोई दिक्कत ना हो और अब्बा जान आप मुझे ज़मीन पर मुंह के बल लिटाइएगा ताकि मेरा चेहरा ज़मीन की तरफ हो, अगर मेरा चेहरा आपकी तरफ हुआ तो कहीं आपको मुझ पर तरस ना आ जाए और आप मुझे ज़बा ना कर पाए। अब्बा जान अपनी आँखों पर पट्टी बांध लीजिएगा और ज़िबा करने के बाद मेरा कुर्ता मेरी माँ को दे दीजिएगा ताकि इन्हें सब्र आ जाए। बाप ने सब बातों पर अमल किया, बेटे का माथा चूमा, पाँव हाथ बांधे और बेटे को ज़मीन पर मुंह के बल लिटा दिया और छुरी चला दी, लेकिन छुरी ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ना काटा क्योंकि अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी चलाते हैं मगर छुरी चलने का नाम ही नहीं लेती, आप बहुत ज़ोर लगाते हैं मगर छुरी है कि नहीं चलती। आप अलैहिस्सलाम छुरी से फरमाते हैं, ऐ छुरी क्यों नहीं चलती,
मेरे नन्हे इस्माइल का गला तो बहुत नाजुक है, तो क्यों नहीं चलती? अर्श पर फरिश्ते खामोश, ज़मीन पर एक इंसान की अल्लाह से मोहब्बत देख रहे हैं। तब अल्लाह पाक अर्श से जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, जिब्राइल जाओ और जन्नत से एक मेंढा ले जाओ, मेरा खलील पीछे नहीं हटेगा, जाओ और इसकी कुर्बानी करो। तब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से मेंढा ले जाते हैं और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छुरी के नीचे से हटाया और मेंढा रख दिया। अब छुरी को चलने की इजाज़त मिली और छुरी चल गई। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों पर गर्म खून लगा और बेसाख्ता आपकी ज़ुबान से निकला, अल्लाहु अकबर, या अल्लाह तेरा शुक्र है। मगर जब आंखों से पट्टी उतारी तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम सही सलामत एक तरफ बैठे हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ताबेदारी और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की फरमा बरदारी बारगाहे इलाही में मकबूल हुई और अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा होने से बचा लिया और इनकी जगह जिस जानवर की कुर्बानी दी गई, इससे मुतल्लिक रिवायात में आता है कि वो जन्नत से लाया गया एक मेंढा था। यही वो कुर्बानी है जिसको ता क़यामत उम्मत मुस्लिमा के लिए अमली नमूना बना दिया गया है। इस वाक़े का ज़िक्र अल्लाह करीम ने क़ुरान मजीद में इस तरह बयान फरमाया है, और हमने इसको पुकारा यूं, ऐ इब्राहीम उन्हें सच कर दिखाया ख्वाब, हम यूं देते हैं बदला नेकी करने वालों को, बेशक यही सरई जांचना और इसका बदला दिया हमने एक जानवर ज़िबा को। तो ये था वो अजीम कुर्बानी का वाक़या जिसे तमाम मुसलमान ईद उल अज़हा को मनाते।